हेलो फ्रेंड्स, माएस्ट्रो गाइड में आपका स्वागत है। मैं हूं इस चैनल का होस्ट मचिंदर बलारिया, और आज पाम रीडिंग के सेशन में हम बात करेंगे हॉट लाइन की या लाइन ऑफ लव। मैं लव मैरिज की बात नहीं कर रहा हूं, मिक्स मत कर देना, लाइन ऑफ लव या हार्ट लाइन ऑफ हार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो पे लाइक या कमेंट करिए, ठीक है। जो लोग इसमें समुद्र शास्त्र में या हस्तरेखा में विश्वास नहीं करते, प्लीज चैनल पे मत आइए, फिर आप उल्टे सीधे कमेंट करते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, लाइन ऑफ हार्ट के बारे में दो चीजें समझने की बहुत जरूरत है। नंबर एक, लाइन ऑफ हार्ट जितनी फ्लेक्सिबल होगी, बेंड हुई होगी, ठीक है, बंदा उतना इमोशनल होगा, और जितनी स्ट्रेट होगी बंदा उतना प्रैक्टिकल होगा, इमोशनल नहीं होगा, फिर वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। दूसरी चीज कि लाइन ऑफ हार्ट पे कोई कट या फट का निशान नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आपको कई बीमारियां, ब्लड प्रेशर बढ़ना या कोई आपके लाइफ में परेशानियां आना या इमोशनल हर्ट आपको हो सकता है, कोई आपको इमोशनली हर्ट कर सकता है अगर आपकी लाइन में कट वगैरह है तो। अगर आपकी हर्ट लाइन जो है वो जंजीर नुमा है, मतलब चेन की तरह उसमें बनी हुई है, तो भी समझिए कि आपको लाइफ में परेशानियां आएंगी या आपको इमोशनली कोई हर्ट करेगा, ठीक है। तीसरी बात कि जो हर्ट लाइन अगर माउंट ऑफ जुपिटर और माउंट ऑफ सैटर्न के पास जाकर के तीन हिस्सों में जा रही है तो अच्छी है, लेकिन तीन से ज्यादा हिस्सों में एक पूंछ की तरह बन रही है, गौ पूंछ जिसको बोलते हैं, ऐसे बन रही है तो आपका जीवन थोड़ा सा उलझा उलझा रहने वाला है, थोड़ा सा ऑब्स्टेकल्स आने वाले हैं, ठीक है। ये तो मैंने सारी नेगेटिव चीजें पहले कवर कर ली, ताकि आपको बता दूं कि एक साफ सुथरी हार्ट लाइन जो है वही अच्छी मानी जाती है। अब ऐसा तो है नहीं कि दुनिया में भाई सबकी हार्ट लाइन अच्छी होगी, तो जस्ट एक देखिए मेंटल लेवल है, आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लेते हो। कई लोग बोलते हैं ना कि यार नहीं, हाथ की लकीरों से कुछ नहीं होता, यही जजमेंट होती है भाई। उससे पता चल जाता है कि ऑब्स्टेकल्स आने वाली हैं, आप हर सिचुएशन से लड़ने के लिए अपना तैयार रहिए, यही ज्योतिष है, यही पामिस्ट्री है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, अगर आपकी हार्ट लाइन जो है वो माउंट ऑफ मरकरी से स्टार्ट हो रही हो, और क्योंकि ऊपर से स्टार्ट होती है, इसमें कंफ्यूजन है बहुत लोगों में, कई बोलते हैं माउंट ऑफ मरकरी से स्टार्ट होती है, कई बोलते हैं माउंट ऑफ जुपिटर से स्टार्ट होती है, तो ये माउंट ऑफ जुपिटर से हमेशा स्टार्ट होती है, पर कई लोगों के हाथ में अगर ये रेखा आपकी जो है माउंट ऑफ मरकरी से स्टार्ट होकर नीचे की तरफ जा रही हो, तो इट मींस ये हो गया कि व्यक्ति जो है वो प्रैक्टिकल होता है बहुत ज्यादा, उसका अपने वो बिल्कुल भी इमोशनल व्यक्ति नहीं होता, मतलब उसको बहुत जल्दी किसी से अटैचमेंट नहीं रहता है, प्रैक्टिकल बहुत ही, मतलब जिसको कहते हैं कि बिल्कुल भी इमोशनल नहीं होता, उसको बिल्कुल भी फीलिंग नहीं होती, बहुत ज्यादा फीलिंग नहीं होती उसके अंदर, ऐसी रेखा जो है बहुत कम लोगों के हाथ में होती है। सेकेंड पॉइंट, अगर ये हर्ट लाइन जो है, ये लव लाइन जो है, ये सूर्य पर्वत के सामने से चल के नीचे की तरफ आ रही हो, वहां से स्टार्ट हो रही हो, तो इसका मतलब क्या होता है कि व्यक्ति थोड़ा सा इमोशनल होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता, लेकिन उसका अपने इमोशंस पे फुल कंट्रोल होता है, वो जो भी डिसीजन लेता है वो सोच समझ के लेता है, तथा प्यारबाजी के चक्कर में वो इतनी जल्दी नहीं पड़ता, और अगर पड़ भी जाए तो उसका अपने इमोशंस पे अपने ऊपर पूरा सेल्फ कंट्रोल होता है। उसके बाद बात करते हैं, अगर हर्ट लाइन जो है शनि पर्वत से स्टार्ट हो और नीचे की तरफ आए, तो इट मींस क्या हो जाता है कि व्यक्ति के अंदर कामुकता, सेक्सुअल अपील बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, तथा बहुत ही ज्यादा इगोस्टिक होता है, ठीक है, सामने वाले को वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस ऐसा व्यक्ति नहीं देता है, चाहे कोई भी आपका स्पाउस हो, हस्बैंड हो या वाइफ हो, दोनों जो हैं अपनी मनमानी करते हैं, बहुत ज्यादा जिद्दी हो जाते हैं, तथा सेक्स का इन लोगों में एक अलग से अट्रैक्शन रहता है। अब बात करते हैं, अगर आपकी हर्ट लाइन जुपिटर माउंट के नीचे से और सैटर्न माउंट के ऊपर से, मतलब जुपिटर माउंट और सैटर्न माउंट के बीच से स्टार्ट होती हुई नीचे की तरफ आ रही हो, तो इट मींस अगेन ये हो गया कि अब बंदे के लव मैरिज के चांसेस जो हैं वो बहुत ज्यादा हो गए, क्योंकि उसमें शनि का जो कामुकता वाला गुण है वो भी आ गया, और जुपिटर का जो इमोशनल वाला
गुण जो है वो भी आ गया, तो अब वो बंदा जो है इमोशनली भी जो है बहुत ज्यादा अटैच हो जाएगा तथा उसमें सेक्सुअल अपील भी ज्यादा होगी, मतलब फिजिकल अट्रैक्शन भी ज्यादा होगा। तो अगर ऐसे केसेस में क्या होता है, बंदा जो है फिजिकली अट्रैक्शन भी उसके अंदर रहता है तथा इमोशनल भी हो जाता है, तो ऐसा व्यक्ति के चांसेस बन जाते हैं ज्यादातर लव मैरिज के। ठीक है, अब बात करते हैं अगर आपकी हर्ट लाइन माउंट ऑफ जुपिटर से स्टार्ट हो रही हो तो कैसा रहता है। देखिए, अगर आपकी हर्ट लाइन माउंट ऑफ जुपिटर से स्टार्ट हो रही हो तो वहां पे दो सिचुएशन बनती है, या तो आपकी हर्ट लाइन माउंट ऑफ जुपिटर की तरफ जो है बेंड हुई होगी। ठीक है, माउंट ऑफ जुपिटर की तरह अगर बेंड हो रही है, जैसे मैंने पहले बोला कि ऐसे लोग बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत सेंटिमेंटल होते हैं तथा दूसरे के इमोशंस की भी कदर करते हैं ऐसे लोग, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा अटैच होता है तथा फैमिली से ज्यादा वो समाज सेवा में बहुत ज्यादा विश्वास रखता है, उसके आगे अगर कोई भी रोएगा तो वो एकदम से हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे लोग हमेशा बहुत ही हेल्पिंग नेचर के होते हैं, हमेशा दूसरे की मदद करते हैं। लेकिन अगर आपकी हार्ट लाइन जो है माउंट ऑफ जुपिटर से स्टार्ट होती हो लेकिन वो बिल्कुल स्ट्रेट हो, तो इट मींस क्या हो गया कि बंदा आपसे जुड़ेगा लेकिन बहुत ज्यादा इमोशनल अटैचमेंट नहीं होगा, मतलब अदर्स फैक्टर्स भी होंगे उसके पास आपसे अटैच होने के। उसकी मैरिड लाइफ भी सही चलती है, अपनी मैरिड लाइफ को बड़े ही बैलेंस तरीके से ऐसा व्यक्ति चलाता है मैरिड लाइफ में, लेकिन वो इमोशंस के बजाय जो प्रैक्टिकल चीजें हैं उसकी तरफ ज्यादा ध्यान देता है, मतलब इमोशनल होने के बजाय वो प्रैक्टिकल चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस करता है तथा वो व्यक्ति जो है मतलब ऐसा नहीं है कि किसी के प्यार में अंधा ही हो जाएगा। हाँ, वो प्यार करते हैं, गहरा प्रेम होता है लेकिन सोचा समझा प्यार होता है। लेकिन जहां पे कि हर्ट लाइन जो है माउंट ऑफ जुपिटर पे जाकर के थोड़ा सा माउंट ऑफ जुपिटर की तरफ झुक जाए, उसका झुकाव हो जाए, मतलब जो फिंगर होती है उसकी तरफ उसका झुकाव हो जाए, तो ऐसा बंदा जो है प्यार में खोता चला जाता है, वो जिसके भी प्यार में पड़ता है वो एक्सट्रीम लेवल तक चला जाता है। ठीक है, अब करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पे बात। अगर आपकी हर्ट लाइन माउंट ऑफ मार्स, अपर मार्स जो है उसकी तरफ से आ रही हो, ऐसे व्यक्ति को हैंडल करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। आप कमेंट करिए, जिसके भी हाथ में आप देख रहे हो एक बार मेरे को एक भी, तब मैं आपको मानूंगा कि आप सही कमेंट कर रहे हो। आप दिखाइए, पक्का वो व्यक्ति जो होगा वो दुनिया को बाहर दिखेगा कुछ, लेकिन जब उस व्यक्ति के साथ आप डील करोगे वो बहुत ही डिफिकल्ट पर्सन होगा, उसको आप इजीली हैंडल नहीं, मैं खराब नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं डिफिकल्ट, उस बंदे को हैंडल करना जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं होगा, बहुत ही गुस्सैल होगा, चाहे वो दिखने में कैसा भी हो, कितना भी सोबर लगे, लेकिन उसके अंदर इतनी आग भरी पड़ी होगी कि उसको कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट होगा। कहां से बताया मैंने, माउंट ऑफ मार्स से लेकर के अगर आपकी हर्ट लाइन स्टार्ट हो रही हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही टेढ़ा, बहुत ही जिद्दी, बहुत ही अड़ियल होता है। उसने अगर एक बार डिसीजन ले लिया तो उसको दुनिया की कोई ताकत चेंज नहीं कर सकती है। ठीक है, अब मेरा वीडियो हर्ट लाइन को लेकर के, अगर आपको वीडियो कैसा लगा है तो प्लीज वीडियो पे जरूर कमेंट करें तथा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।